हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए फ्राइडे का मतलब जो मैंने क्लिप जहां तक शूट किया था उसके आगे का ये क्लिप है। मैं राधा रानी की शॉल जो है वो बुन रही थी और रुपेश का जो है कंप्यूटर और जीके का टेस्ट है, तो वो लर्न कर रहा था, तो उसका भी मैं सुन रही थी, छवि का भी सुन रही थी। तो यहाँ देखिए राधा रानी का सॉल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे कान्हा जी मतलब खड़े वाले जो कान्हा जी होते हैं, तो उनका मुझे अभी धोती बनाना है। और ये सॉल जो है कंप्लीट हो गई है, इसका बॉर्डर वगैरह तैयार करना है। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, यानी कि सैटरडे का, और सुबह के शायद 9:30 हो रहे होंगे। आज की जो तारीख है वो 12 फरवरी है। तो मैं आज बनाऊंगी खिचड़ी, और सैटरडे के दिन वैसे खिचड़ी मैं बनाती ही हूँ, बस जब खरवास लगता है ठंड में, मतलब यानी कि दिसंबर से जनवरी तक, तो ही मैं खिचड़ी मतलब बंद कर देती हूँ। उसके बाद पूरे साल जो है सैटरडे को खिचड़ी ही बनाती हूँ। तो अभी देखिए प्याज जो था वो भुन गया था, तो मैंने टमाटर और बेसिक मसाले हल्दी नमक कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करके कवर कर दूंगी ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो अभी देखिए टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, और अच्छे से इसे मतलब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिर उसके बाद मैंने मतलब गोभी पहले से ही फ्राई मैंने कर लिया था, बॉयल करके पहले से ही फ्राई करके इसे रख लिया था, और आलू भी मैंने बॉयल ही आलू लिया है, तो इसे मैंने डाल दिया है अभी। और अच्छे से मिक्स करके बस इसमें गरम मसाला मतलब डाल के, गरम मसाला जो मैं घर पर बनाती हूँ वही है, मैं चेंज कर करके डालती हूँ, कभी घर का बना हुआ डालती हूँ, कभी मार्केट का डालती हूँ, जब जैसा मूड है उस हिसाब से मैं सब्जी में ऐड कर देती हूँ। तो अभी मैंने फिर से लीड लगा दिया है कि थोड़ा सा और वो मसाला जो है अच्छे से गोभियों में मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर हम कवर करके नहीं मतलब उसे भुनेंगे ना, तो गोभी के अंदर तक मसाला जो है वो मिक्स नहीं होगा, तो वो टेस्ट नहीं आता है जो टेस्ट सब्जी में आना चाहिए। तो रोटी भी बन गई है, और सब्जी में मैं धनिया की पत्ती डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और सब्जी भी बन गई है। और थोड़ा सब्जी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे आज चोखा भी लगाना है आलू और टमाटर का, और ये चोखा इतना टेस्टी बना था। और आज थोड़ा मैंने कम बनाया था, तो इसलिए बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, बोल रहे थे कि मम्मी आप नेक्स्ट टाइम इसे ज़रूर बनाइएगा। तो ये रेसिपी मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि इस तरीके का बना हुआ चोखा बिल्कुल आपको जैसे लगेगा कि आग में, मतलब जैसे हम गोहरी वगैरह पे टमाटर को भूनते हैं ना, वैसा टेस्ट आएगा। मैंने गैस पे पहले से ही टमाटर भून रखा था, और अभी उसके छिलके उतार लिया है, और अच्छी सी से हाथों से मतलब मिक्स कर लूँगी। टमाटर तो वैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बस थोड़ी सी इनको आँच लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद ये तुरंत मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं टमाटर को अच्छे से स्मैश कर लूँगी। उसके बाद आलू की क्वांटिटी मैंने कम ली है, टमाटर की ज़्यादा ली है। अगर आलू की क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखती तो वो टेस्ट नहीं आता जो टेस्ट चोखे में आना चाहिए था। फिर मैंने धनिया की पत्ती, कूटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन ये सब मैंने ले लिया है, स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है, और सरसों का तेल, कच्चा तेल डालिएगा फ्रेंड्स तो ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी देखिए मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा मतलब 1.5 चम्मच के लगभग मैंने कच्चा सरसों का तेल डाल दिया है। अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो प्याज डाल सकते हैं। और चोखा देखिए कितना अच्छा चोखा दिखने में ही लग रहा है, बहुत टेस्टी बना भी था ये। आप ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि चोखा जो है कैसा बना। और ये सारे कपड़े जो हैं कल के हैं, यानी कि शुक्रवार के हैं, क्योंकि मैंने बताया था अपने वीडियो में कि लाइट जो है वो नहीं थी, लाइट मतलब आई थी 5 बजे, इसकी वजह से मैंने कपड़े जो है वाश नहीं किए, क्योंकि कोई मतलब नहीं था, धूप मुझे लगा मतलब धूप कपड़ों को लग ही नहीं पाता, तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट डे इसे मैं मतलब वाश कर लूँगी, तो इसलिए मैंने आज सारे कपड़ों को लगा दिया है। और मेरी आवाज़ जो है भारी इसलिए आ रही है ना कि मैं मतलब सुबह के बज रहे हैं अभी 4, और संडे के मतलब सुबह के 4 बज रहे हैं, और सो के उठी हूँ, और मतलब वॉइस मैं एडिट कर रही हूँ, वॉइस मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसकी वजह से आप सभी को मेरी आवाज़ जो है ना वो भारी भारी लग रही होगी, क्योंकि सुबह मैं जब भी सो के उठती हूँ ना तो मेरी आवाज़ जो है भारी हो जाती है, क्योंकि मुझे थायराइड है, और थायराइड में गला जो है वो भारी होता ही होता है। तो प्लीज़ आज जो आवाज़ मेरी है भारी है तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी जो है वो गर्म गर्म ही अच्छी लगती है। तो हस्बैंड नहाने जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि खिचड़ी तुम चढ़ा दो, वो जब नहाने जाते हैं तभी मैं खिचड़ी चढ़ाती हूँ लंच में। वैसे तो बच्चों ने रोटी सब्जी खा लिया था और चोखा भी, तभी देखिए मैंने जो चावल है वो चावल धुल दिया है, इसमें हल्दी नमक और थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है कि जो मतलब दाल है ना वो बाहर मतलब ना गिरे, मतलब सीटी लगने पर बाहर ना फैले।
तो खिचड़ी भी मैंने चढ़ा दिया है और इधर बर्तन भी हो गए थे, बच्चों ने नाश्ता कर ही लिया था, तो मैं बर्तन वाश कर लेती हूँ क्योंकि आज सुबह से मैंने बर्तन नहीं वाश किया था। सुबह मतलब जैसे चाय वगैरह का तो धुल ही ली थी, बस उसके बाद के जितने बर्तन थे वो मैं बर्तन नहीं क्लीन कर पाई थी क्योंकि आज हमारे जो सड़क है उस पर मलबा गिर रहा है, काफ़ी दिनों से गिर रहा है पर शायद आज कंप्लीट हो जाए, तो वो बार बार आ रहा था ना, तो मैं गेट पे जाके उसे भी देख रही थी। अभी मैं आगे ब्लॉग में बने रही है, आपको भी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए बर्तन भी वाश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब शायद मेरे वीडियो जो है वो प्रॉपर जाए क्योंकि बच्चों का स्कूल शायद सोमवार से खुल जाएगा, शायद कंफर्म नहीं है। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं प्रॉपर वीडियो देने की कोशिश करूंगी। अब प्लीज़ फ्रेंड मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी आप लोग मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। कुछ फैमिली मेरी ऐसी है जो मुझे सपोर्ट करती है, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करती है, मैं उनके चैनल पे नहीं जा पाती हूँ फिर भी वो लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और उनके कमेंट पढ़ के ना मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी जैसा लगता है, फिर मैं लग जाती हूँ यूट्यूब पर। तो आप लोग भी वैसे सपोर्ट करो। और यहाँ देखिए लंच जो है वो तैयार है, चोखा और ये खिचड़ी है जो छोटे से मतलब उसमें रखा हुआ बाउल में, और ये आलू गोभी की सब्जी है, सिंपल रोटी है और चटनी थी, सलाद थी, बस यही सब था आज के लंच में। हमारे सिंपल लंच था पर टेस्टी बहुत था, सभी ने अच्छे से खाया, हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, वो तो बोलते हैं तुम्हारे हाथ का खाना मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए भी मैंने थाली लगा दी है। और अभी देखिए गाड़ी जो है वो आ रहा है मलबा, उसमें मतलब टूटे हुए कहीं घर टूट रहा है तो वही टूटा हुआ मतलब घर का सीमेंट वगैरह ईटा उटा है। तो आगे मैं बहुत जल्द अपनी उस फैमिली का नाम बताने वाली हूँ कि जिनके चैनल पे मैं बिल्कुल जा ही नहीं पाती हूँ फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, उन्होंने मुझे समझा कि हाँ इस समय इनकी ज़रूरत है और इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से ये हमारे चैनल पे नहीं आती हैं क्योंकि बच्चे की क्लास चलने की वजह से नेट बचता ही नहीं था कि मैं उनके मतलब चैनल पर जा पाऊँ, थोड़ा बहुत जो बचा रहता था मैं वीडियो अपलोड करने में लगा देती थी। तो उन्होंने समझा और मुझे सपोर्ट किया। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आज का ब्लॉग वैसे ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो।